दिल्ली की सेल्फी में आज हम आपको लेकर आए हैं खास जगह, आज हम आपको लेकर आए हैं बुराड़ी, जहां पर फिलहाल हम एक उत्तरायणी कौतिक यानी कि उत्तरायणी के मेले में आपको लेकर आए हैं और यहां आप उत्तराखंडी संगीत फिलहाल सुन पा रहे हैं। यहां बुराड़ी इलाके की अगर बात करें तो तकरीबन 40,000 उत्तराखंडी परिवार लोग यहां पर रहते हैं और हम जाएंगे उत्तराखंडी वोटर्स के बीच और जानेंगे कि आखिर दिल्ली के चुनाव में उनकी क्या राय है और क्या सोचे हैं वो। मेरे पीछे तस्वीरों में फिलहाल आप देख रहे हैं उत्तराखंड के सांस्कृतिक रंग। एक नेता जी हमें जिन्हें बताया गया है, मैं इन्हीं से पहले बात करूंगी। दिल्ली में चुनाव भी होने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार हवा किस तरफ बह रही है? हम मोदी जी को पसंद करते हैं, मोदी जी को ही वोट देंगे। अच्छा, मोदी जो वोट देंगे उन्हीं को पसंद करते हैं। अच्छा, क्योंकि वो देश के लिए मोदी को ही पसंद करते हैं। आलू प्याज तो देखना है, देश देखना है। आलू प्याज, बिजली का बिल, केजरीवाल बीजेपी सारा फ्री कर रहा है, फ्री क्यों? लेडीजें 10,000 20,000 तनख्वाह खा रही है, फ्री उनका क्यों करा है? हमें ये कोई अच्छा नहीं लगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किसका चलने वाला है इस बार सिक्का, केजरीवाल का कि मोदी का? देश के लिए तो मोदी जी ने भी बहुत कुछ किया है, दिल्ली के लिए हो सकता है, दिल्ली के लिए केजरीवाल ने बहुत कुछ अच्छा किया, हॉस्पिटल स्कूल हर चीज, मतलब ये दिल्ली के लिए सुविधा मिली है, सुविधा मिली। तो मतलब आपके साथ केजरीवाल से बनेंगे? केजरीवाल क्यों? केजरीवाल बहुत अच्छा काम किया है, बहुत काम किया है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, केजरीवाल जी आएंगे कि मोदी जिसको चुनेंगे वो आएंगे? मोदी जी वाले आपको मतलब? मोदी जी हाँ, अच्छा काम करेगा वो आएगा। तो अभी जो है उन्होंने अच्छा काम किया कि नहीं किया? अभी तक तो कर रहे, अब आगे देखो, नेता ही बदल जा रहे तो हम क्या करें। दिल्ली का क्या लग रहा है? दिल्ली का देखो, केजरीवाल ने बहुत अच्छा किया हुआ है, स्कूल की सुविधाएं, हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ किया है। लेकिन मोदी जी जो है, मोदी जी तुरंत डिसीजन लेते हैं, जो भी है देश के हित में डिसीजन ले रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान अटैक था या कुछ भी था। तो आपको लगता है कि दिल्ली के चुनाव में उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो देश के लेवल का है? वो देश के लेवल का है, लेकिन अभी देखो, अभी तो केजरीवाल की मतलब आपका सीएम केजरीवाल है या मोदी जी जिसको चुनेंगे? जनता के हिसाब से तो केजरीवाल ही चल रहा है। आपसे भी जान लेते हैं, आपके हिसाब से कौन बनने वाले हैं मुख्यमंत्री? मैम केजरीवाल, उन्होंने बहुत सुविधा करी है, हॉस्पिटल सुधार दिए, स्कूल सुधार दिए, बहुत सुविधा करी है। और अब यही उत्तरायणी कौतिक में हमारे साथ हैं युवा। ये बताइए किसकी हवा चल रही है इस बार दिल्ली में? हवा तो केजरीवाल जी की है, लग रहा है, लग रहा है। मतलब पिछली बार 67 सीट थी, इस बार 70 भी हो सकती है। वैसे केजरीवाल ही है, 50-50 हम कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आने वाले। आप सीएम किसको देखते हैं, मनोज तिवारी, हर्षवर्धन, सुभाष चोपड़ा या केजरीवाल? मैं मनोज तिवारी को देखते हैं, यानी कि बीजेपी वाले हैं आप। आपको क्या लग रहा है कौन आएगा दिल्ली? केजरीवाल, आई लव केजरीवाल। अच्छा क्यों? लेकिन बस उनके जो हॉस्पिटल वगैरह में हम जाते हैं, देखते हैं, इतनी फैसिलिटी है, और स्कूल्स में भी, कॉलेज में भी फैसिलिटी अच्छी है, और बस की फ्री टिकट सबको ही पता है। दिल्ली में फ्री में वाईफाई मिलने वाला है, सुनने में आया है, देखते हैं आता है कि नहीं, उसके बारे में तय करेंगे। वैसे क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार दिल्ली? केजरीवाल ही जीतेगा। मोदी जी, अमित शाह की जोड़ी कुछ नहीं चलेगी? डिस्ट्रिक्ट में मोदी जी, दिल्ली में? अच्छा, केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल। दिल्ली में केजरीवाल। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? केजरीवाल ही जीतेंगे। मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी नहीं चलेगी? मोदी जी कंट्री वाइज अच्छा काम कर रहे हैं और केजरीवाल दिल्ली में बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, तो केजरीवाल ही जीतेंगे। अच्छा, मैं पीछे वालों से पूछना चाहूंगी, मोदी के बारे में बात हो गई, केजरीवाल के बारे में बात हो गई, कांग्रेस का क्या चल रहा है? कांग्रेस के बारे में बात नहीं करूंगा, केवल आम आदमी पार्टी के बारे में बात करूंगा। अच्छा। बिकॉज उन्होंने जो काम किए वो बहुत अच्छे किए, जो पहले की सरकार थी किसी ने भी नहीं किए, जो गवर्नमेंट स्कूल उन्होंने सुधारे, मोहल्ला क्लिनिक हो गई, बहुत सी फैसिलिटी है जो आम आदमी पार्टी ने हमें दी है। इस बार बहुत अच्छा काम हो रहा है, केजरीवाल काफी अच्छे, बिजली का बिल भी सस्ता है और काफी सुविधा दी है, कैमरे जगह जगह पे लगाया है। अच्छा, यहाँ पर ये पहले तो इनसे जान लेते हैं कि इनके हाथ में जो है, इन्हें कहा गया, ये क्या है? मैम, ये हमारे उत्तराखंड का कल्चर है, ये दादू गोरिया जो हमारे उत्तराखंड में एक जागरी होती है, वो हमारे देवता जो होते हैं वो बजाते हैं। क्या नाम है इसका? इसका नाम हुड़का। हुड़का, अच्छा, हुड़का बजाते हुए मुझे बताइए कौन आ रहा है दिल्ली में? हुड़का बजाते हुए दिल्ली में इस बार केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल, मोदी शाह का मैजिक नहीं चलेगा? अभी मुश्किल लग रहा है, इस बार मोदी नहीं आएगा दिल्ली में। उत्तराखंड के लोग चाय बहुत ज्यादा पीते हैं और चाय से एक केतली यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, ये बताइए ये दिल्ली में चुनाव की स्थिति बनी हुई है किधर? हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी आएगी दिल्ली में। अच्छा, इसीलिए चाय भेज रहे हम। चल बेटा सेल्फी ले ले रे।
हवा किस पार्टी की दिख रही है आपको लोगों से बात? अभी हमारे ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो यहाँ काम आम आदमी पार्टी ने किया है, तो बुराड़ी में आम आदमी पार्टी। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो अमित शाह और मोदी की जोड़ी है इस बार दिल्ली में बीजेपी नेशनल लेवल पे है? ग्राउंड लेवल हम तो पहले मेरा हम घर का मुद्दा देखते हैं, घर पे क्या हो रहा है, मतलब हमारे क्योंकि यहाँ काफी 20 सालों से कोई काम नहीं हुआ था, तो संजीव झा जी ने बहुत अच्छा काम किया। ये बताइए, अब तो 1 महीने से भी कम का समय रह गया, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है किस तरह की हवा बह रही है? मेरे हिसाब से जो इस समय की गवर्नमेंट है उसने जो ये मेन सुविधाएं हैं, जब रोड है, नालियां हैं, बिजली है, ये किए हैं थोड़े बहुत। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे किस पार्टी को रखते हैं अभी? बेसिकली वैसे तो यहाँ पर बुराड़ी से देखें तो आप वाली की है। आप नंबर 1, नंबर 2 पे? नंबर 2 पे बीजेपी है। और नंबर 3? आपने अंडरस्टूड है, दिल्ली में तो अभी 50-50 है जी। किस किस के बीच? बीजेपी और आपके बीच। अच्छा, और ये भी जानना चाहेंगे बीजेपी में इस बार मोदी और अमित शाह की जोड़ी लगी हुई है, फायदा मिलेगा? पिछली बार सिर्फ 3 सीटें थी। हाँ, निश्चित तौर पर पिछली बार से आगे जाएंगे, दहेगा अंक तो पार जाएंगे जाएंगे। ज़्यादा चांस किसका लग रहा है? चांसेस 50-50 है, पर ये है जिस हिसाब से दिल्ली में केजरीवाल जी ने बंदर बांट किए ना फ्री के, मैं उसके खिलाफ हूँ। आपको क्या लग रहा है मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री जहाँ तक है जो हवा चल रही है वो तो केजरीवाल की हवा चल रही है अभी। आप नहीं चाहते हाँ? तो मैं तो ये फ्री के खिलाफ हूँ मैं। किसके पाले में जाने वाली है गेंद? जैसे पहले केजरीवाल के 67 आए थे, 67 वो रहेगा नहीं, 67 नहीं रहेगा। सरकार बना पाएंगे? सरकार तो निश्चित तौर पर जहाँ तक ख्याल है बना ही लेंगे, जहाँ तक ख्याल है। तो इसका फायदा किसको मिलेगा? 67 नहीं रहेंगे तो 3 से ज्यादा बढ़ेंगे बीजेपी को। किस लिए? ये मोदी शाह की जोड़ी की वजह से? बिल्कुल, उनकी नीतियाँ हैं, विदेशी नीतियाँ हैं उनकी। फायदा मिलेगा दिल्ली में, चाहे 370 की बात हो, इन सब का फायदा मिलेगा दिल्ली में? निश्चित तौर पर मिलेगा जी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ तक जागरूक लोग हैं, वो 100% उनको ही वोटिंग होगी। सेल्फी में वैसे तो हम आम तौर पर जनता से जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या उनको जल लग रहा है, कहाँ की हवा चल रही है, पर आज जब हम बुराड़ी आए हैं तो हमें मिल गए हैं संजीव झा जी, जो कि विधायक हैं। संजीव जी, ये जरा हमारी सेल्फी में आप जो कैद हो गए हैं, मुझे ये बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है दिल्ली में? देखिए, दिल्ली की जनता कह रही है अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। जहाँ कहीं भी जाता हूँ, हर किसी वोटर्स को वोट करने का कारण है। कोई कह रहा है कि हमारे बिजली मुक्त हो इसलिए वोट करेंगे, कोई कह रहा है हमारा पानी मुक्त हो गया इसलिए वोट करेंगे, महिलाएं करें बसों में यात्रा फ्री इसलिए वोट करेंगे, कोई रहें तीर्थ यात्रा वगैरह इसलिए वोट करेंगे, कहते मोहल्ला क्लिनिक इलाज कराया इसलिए वोट करेंगे, कहते मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता बहुत अच्छा हो गया इसलिए वोट करेंगे। दिल्ली चुनाव के लिए अमित शाह और मोदी की जोड़ी जो है वो डोर टू डोर कैंपेन की भी बात करें, अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन किया है, उसका असर नहीं लगता आपको कि होगा? हमारी जोड़ी जनता से है, जब तक जनता से हमारी जोड़ी है तब तक जोड़ी कैसे भी क्यों ना आ जाए, जनता एकदम कमर कस लिया है कि किसी जोड़ी की नहीं, अरविंद केजरीवाल और जनता की जोड़ी चलेगी। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। अब हमारी सेल्फी में कैद हो गए हैं इस इलाके के जो सिटिंग काउंसलर हैं कौस्तुभ आनंद बलोदी जी। बलोदी जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि हम दिल्ली चुनाव की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरफ हवा बह रही है इस बार? देखो, मैं तो कहूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और लगभग 60 से ऊपर सीट हम भारतीय जनता पार्टी वाले दिल्ली में लेके आएंगे। युवा जो है देश का वो क्या सोच रहा है, तो ये लोग मेरे साथ यहाँ पर है, क्या लग रहा है इस बार? इस वक्त तो अगर बुराड़ी की बात की जाए तो बुराड़ी के अंदर तो संजीव झा का ज्यादा रोल है आम आदमी पार्टी का। अच्छा, और दिल्ली भर में बात की जाए तो? दिल्ली भर में जो मेरे हिसाब से तो जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, अगर कार्य के आधार पर वोट दिया जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है? आम आदमी पार्टी। आपको भी आम आदमी पार्टी? हाँ जी, आम आदमी। आपको क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी। अच्छा, और इसका क्या कारण है, बीजेपी क्यों नहीं? एक्चुअली क्या है ना कि आम आदमी पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया है, जो कि हमको दिखता भी है, जैसे एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। पहले हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल थे उनका रिजल्ट बहुत ही पुअर जाता था, बट मनीष सिसोदिया जी ने इतना अच्छा काम किया है कि और बच्चों के लिए स्पेशल स्किल्स उनके अंदर डाल रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पहले लोग अपने बच्चों को डालने से बहुत डरते थे, लेकिन आज के टाइम में लोग सोच रहे हैं। इसकी सरकार बनाएंगे? मैं इस बार जो वोट डालूंगा, मैं फ्री के लिए तो किसी चीज के लिए वोट नहीं डालूंगा, फ्री की जो चीज बांटी जा रही है, फ्री की जो बंदर बांट हो रही है उसके नाम पर वोट नहीं डालने वाला हूँ। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी के जरिए जो कुछ काम अच्छे किए गए हैं, जैसे स्कूलों की जो हालत है वो सुधारी गई है, उसके मैं मना भी नहीं करूंगा। मेरा मानना यह है कि हमें एक बेहतर विकल्प ढूंढने की जरूरत है। अगर हमारे एक क्षेत्र का जो विधायक है अगर उसने अच्छे काम किए हैं तो विधायक का चेहरा देखकर हम वोट डालेंगे, ना कि किसी पार्टी का चेहरा देखकर। मेहनत हमारी और ख्वाबों का पहरा, देखा नहीं कभी किस्मत का चेहरा, पूरे उत्तराखंड से बात ये कह रहा, असली हिप हॉप ये निकली है तेरा, रुद्रप्रयाग से पापा में तेरा। चल बेटा सेल्फी ले ले रे।